समस्तीपुर जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग पंचायत के वरुणा रसलपुर गांव की है, जहां सोमवार की अहले सुबह दो पक्षों के बीच पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक पक्ष के लोगों के द्वारा गोलीबारी कर दादा पोती को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। जख्मी की पहचान वरुणा रसलपुर के वार्ड संख्या 2 निवासी हरिहर राय के 56 वर्षीय पुत्र विष्णु प्रसाद राय और उनके पुत्र सुनील राय की 7 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में की गई है। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बच्ची को कैसे गोली लगी है? सर हम नहीं थे, हम घर पे खाना बना रहे थे। अच्छा, उधर गोली, हमको नहीं पता था जो गोली लग गया। घर गया था, सब बोला कि जो गोली लग गया, वहाँ गए थे तो गोली लग गया, लेकिन 3 गोली फायर किया था। कौन लोग थे वो जो फायरिंग किए थे, कितने की संख्या में थे? दीपक था, दीपक को गोली मारा है, और मनीष और कुंदन उनको पापा और थे। घटना क्या है? घटना है कि जब फूट के गाछ छप्पर पर तो कहक कि जब मांगे हम कहक कि दौन दवाई तो निकल जाए थी ना, तो हम से तो पेट काट लेब, तू ना कटी बहुत झंझट चल रहा है, तू कहक कटबे अपने काट देव पर ना कटलक काटे तो गाड़ी पर लगे मारी कहक रे हमारा गाड़ी न पर सच्चे गोली मार गोली तर अथी जाक में लगल तर 3 गो गोली। कौन थे वो लोग? आदर्श कुमार है, उसी गांव आपके गांव के ही है। अच्छा, मनीष बाबा भराई था गोली, अपन दरवा जे भी मिसिकल निकल कर दई गया, निकल निकल कर दई गया, पट पट मार ले जाया था। कितने लोगों को गोली लगी है? 2 आदमी, एक बच्चा जांघ में लगा और भतीजी को भी पैर में लग गया। कितने की संख्या में लोग थे और क्या हुआ था? कितने के संख्या में थे? कितने के संख्या में थे? 10-12 आदमी थे वहाँ। अच्छा, कहाँ की घटना? घाट, अपना घर पे की घटना। कौन जगह कौन है? बरुणा रसलपुर, प्रखंड सरायरंजन, जिला समस्तीपुर। कितने बजे की घटना हुई?